नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस क्लास के अंदर अपने सीखने वाले हैं भी जो हमारी GST रिटर्न होती है, उस GST रिटर्न के अंदर आपने सुना होगा भी GSTR 2 रिटर्न होती है, GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 1 और GSTR 3। तो इन सभी टाइप की GST रिटर्न के अंदर हमें किस किस प्रकार की रिपोर्ट्स है जो देखने को मिलती है, और कौन कौन सी ऐसी GST रिटर्न है जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रिपेयर करनी होती है, और कौन सी ऐसी रिटर्न है जो हमारी पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेट होती है। तो अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो और आप GST के बारे में नॉलेज रखना चाहते हो तो ये GST रिटर्न के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो और आज की इस क्लास के अंदर हम आपको ये सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे भी GSTR 2, 2A में डिफरेंस क्या होता है, 2A, 2B में क्या डिफरेंस होता है, GSTR 1 के अंदर में किस किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करनी होती है, GSTR 3B के अंदर में किस प्रकार की रिपोर्ट देनी होती है, टैक्स की लायबिलिटी हम किस प्रकार से चेक करते हैं। तो ये सारी बातें हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि टैली सॉफ्टवेयर में इसको किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से हम इसको इनवॉइस को देख के हमें ITC का पता करना है। तो ये सारी बातें हम प्रैक्टिकल तरीके से इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं, और इन सभी रिटर्न के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं GSTR 2 के बारे में, यानी कि GSTR 2। अब GSTR 2 का जहां भी जिक्र आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया भी इसके अंदर हमारा परचेज से रिलेटेड जिक्र रहेगा, चाहे वो परचेज आपका कोई गुड्स हो, चाहे वो परचेज आपकी कोई सर्विस हो, तो वो हमारे GSTR 2 के अंदर तैयार होती है। अब ये जो GSTR 2 है, मैं 2A या 2 की बात नहीं कर रहा, ओनली GSTR 2 की बात कर रहा हूँ। ये GSTR 2 केवल और केवल यानी कि ओनली हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तैयार होती है, ये केवल हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर देखने को मिलेगी GSTR 2 की रिटर्न। यानी कि कहने का मतलब हमने जितना भी कोई गुड्स परचेज किए हैं तो उसके इनवॉइस हमारे पास आएंगे, और उस इनवॉइस के हम क्या करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, चाहे आप टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, उसके अंदर हम परचेज वाउचर के अंदर उन सभी की एंट्री कर देते हैं विद GST टैक्स के साथ में। तो अब क्या होता है, जैसे हमने इसकी एंट्री तैयार करी तो हमारी बुक्स के अंदर क्या हो गया, ये GSTR 2 रिटर्न हमारी तैयार हो गई। तो अब बात आएगी भी इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात है लेकिन अब आगे इसके अंदर डिस्कस करते हैं। देखो हम टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, हमने परचेज सबसे पहले हम GST रिटर्न को देखते हैं, डिस्प्ले पर हम गए, ट्रेजरी रिपोर्ट पे आपको जाना है, GST रिपोर्ट पे जाना है और GSTR 2 को ओपन करना है। अब आप देखोगे मेरे पास यानी मैंने अभी पीरियड दिया हुआ है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, क्योंकि अभी मई मंथ 2024 चल रहे हैं, इसके अंदर हमारी GSTR 3B की रिटर्न अभी जानी बाकी है। तो अब हमें क्या देखना है भी हमने अप्रैल मंथ के अंदर जितना हमने गुड्स परचेज किया था उन सभी की ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें क्या करनी है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कर लेनी है। तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री कर ली तो सारी की सारी डिटेल हमारी क्या होती है GSTR 2 के अंदर दिखनी हमें स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देखते हो मैंने 3 अलग अलग सप्लायर से गुड्स परचेज किया और तीनों के तीनों एंट्री मैंने कर दी और वो टैक्स के साथ बिल्कुल ओके है। तो अब इसमें क्या हो गया आपकी GSTR 2 तैयार होगी। अब इसके साथ क्या होगा, बात आएगी GSTR 2A और 2B के बारे में। अब इसको अपने समझते हैं, GSTR 2A और GSTR 2B। अब जो 2A है अब ये आपका ऑनलाइन आपको शो होगा और 2B भी आपको ऑनलाइन शो होगा, 2B के अंदर भी आपको परचेज के रिकॉर्ड दिखेंगे और 2A के अंदर भी आपको परचेज के रिकॉर्ड, 2B में भी परचेज के रिकॉर्ड और 2A के अंदर भी आपको परचेज के रिकॉर्ड दिखेंगे। तो अब इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहा, जब दोनों के अंदर हमारी परचेज की डिटेल ही दिखनी थी, तो अब डिफरेंस ये क्या रहेगा, अभी देखो हम इसको थोड़ा सा डीपली के साथ समझते हैं, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी हमारा चल रहा है मई 2024, तो इसके अंदर क्या होगा, अब हमारी अप्रैल 2024 की GST 3B की रिटर्न है जो जानी है, जिसके अंदर क्या होगा कि हमें कितना गुड्स परचेज किए हैं और उसके ऊपर हमने कितना GST का टैक्स हम पे करके आ चुके हैं उसकी डिटेल हमें देखनी होती है।
किसके अंदर, 2A के अंदर और 2B के अंदर। अब 2A के अंदर क्या होगा, अब अपने टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, अब आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने अप्रैल मंथ के अंदर 3 अलग अलग सप्लायर से मैंने गुड्स परचेज किया, तो अब इसके अंदर क्या होगा, अभी मेरे जितने भी तीनों सप्लायर हैं, अगर तीनों सप्लायर ने अपनी GSTR 1, किन्होंने, जिनसे मैंने गुड्स परचेज किया था, वो जो सप्लायर है उन्होंने अपनी GSTR 1 अगर 11 मई 2024 तक उन्होंने अपनी फाइल कर दी है GSTR 1, तो वो तीनों के तीनों रिकॉर्ड मेरे को कहाँ दिखेंगे, GSTR 2A के अंदर भी शो होंगे और GSTR 2B के अंदर भी मेरे को वो दिखेंगे, भी मेरी परचेज हो जाएगी और हमारे सप्लायर उनकी सेल हो जाएगी। तो सेलर ने जो रिपोर्ट करी है GSTR 1 के अंदर, वो रिकॉर्ड उन्होंने टाइमली कर दी, यानी कि 11 तारीख तक कर दी, तो मेरे को 2A और 2B दोनों पोर्टल पर शो होंगे। तो अब दोनों में फिर डिफरेंस क्या आया, इसके ऊपर अपने बात करते हैं। वापस हम चलते हैं GSTR 2A और GSTR 2B। अब अपने इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल समझते हैं। अब जैसे कि मैंने 3 अलग अलग सप्लायर से गुड्स परचेज किया, ABC जेट ट्रेडिंग कंपनी और राम एंटरप्राइजेस। अब इसके अंदर मान लीजिए ABC ट्रेडिंग कंपनी है, इसने अपनी GSTR 1 रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करी या अभी तक करी नहीं है, ठीक है, करी नहीं है या नहीं, मतलब लेट फाइल करी है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, मेरे केवल 2 ही सप्लायर ऐसे रह गए जिन्होंने अपनी GSTR 1 फाइल करी है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या हो गए, GSTR 1 के अंदर मेरे को 2A के अंदर भी मेरे को ये 2 रिटर्न मतलब इनवॉइस होंगे और GSTR 2B के अंदर भी मेरे को केवल 2 इनवॉइसिस होंगे जिन्होंने GSTR 1 अपनी टाइमली फाइल कर दी। लेकिन अब मान लीजिए जो मेरा ABC मेरा सप्लायर था, इसको क्या था भी 11 मई तक अपनी GSTR 1 फाइल करनी थी, लेकिन ये नहीं कर पाया, इसने बाद में लेट करी, 15 मई को रिटर्न फाइल करी। तो अब इसका क्या होगा, अब ABC का जितना मैंने गुड्स परचेज किया था और ABC को जितना मैंने GST का टैक्स पे कर दिया था, अब वो मेरे को कब दिखेगा, जब मैं जून मंथ में, यानी कि जून 2024 के अंदर, मैं मेरी मई 2024 की जब मैं GSTR 3B फाइल करूंगा मैं, तब मेरे को क्या दिखेगा भी, मेरे को जो मई के अंदर मैंने गुड्स परचेज किए थे वो तो मेरे को शो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ जो मेरा अप्रैल महीने वाला जो इनवॉइस था ABC का, वो भी मेरे को GSTR 2A के अंदर दिखेगा, लेकिन ये ABC वाला इनवॉइस मेरे को 2B के अंदर नहीं दिखेगा, समझ गया, यानी कि 2B में तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो 2A के अंदर दिखेगा जब मैं मई 2024 की जून मंथ के अंदर मैं मेरी GSTR 3B को फाइल करूंगा और वहां पर जब मैं मेरा ITC चेक करूंगा ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, तो उसके अंदर मेरे मई मंथ और उसके साथ जो पिछला पेंडिंग था अप्रैल वाला, वो मेरे को यहाँ पर दिखेगा। लेकिन 2B के अंदर क्या होगा, केवल और केवल जो मेरे मई मंथ के अंदर जितने मैंने गुड्स परचेज किए या सर्विस मैंने परचेज करी है और उन सप्लायर ने टाइमली अगर अपनी GSTR 1 फाइल कर दी, तो वो इनवॉइस मेरे को 2B के अंदर शो होंगे। अब आप समझ गए होंगे, अब हम इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, GSTR 2 और 2B, यानी कि 2 के अंदर आपका क्या रहेंगे, अगर आपका कोई पिछले ITC है, आगे नेक्स्ट मंथ के अंदर फाइल होती है कोई GSTR 1 अगर आपका सप्लायर फाइल करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है भी, एक कोई सप्लायर ऐसे जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और कुछ है जो क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करते हैं। अब जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल है, तो ये मान लीजिए आपका अप्रैल से लेके और जून का, जब ये जुलाई महीने के अंदर अपनी GSTR 1 फाइल करेगा तब आपको शो होंगे, ठीक है। और GSTR 2B के अंदर क्या होगा, केवल करंट मंथ का ITC हमें शो होगा, मतलब कि करंट मंथ की जितनी हमारी परचेज से रिलेटेड डिटेल है या कोई डेबिट नोट कोई क्रेडिट नोट से डिटेल है, वो हमें करंट मंथ की डिटेल है, वो GSTR 2B के अंदर शो होगी। 2A के अंदर क्या होगा, आपके पिछले महीनों के भी अगर कोई ITC अगर आपका कोई रह गया हो, आपके सप्लायर ने GST रिटर्न नहीं फाइल करी या कोई लेट फाइल करी, तो उसका आपका जो ITC है वो 2A के अंदर बाद में भी शो हो जाएगा, लेकिन 2B के अंदर वो आपका शो नहीं होगा, इसके अंदर केवल करंट मंथ का, यानी कि अब मई मंथ के अंदर हमें अप्रैल की रिटर्न फाइल करनी है, तो इसके अंदर केवल अप्रैल महीने के जिन जिन लोगों ने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर दी थी, आपके सप्लायर ने जिनसे आपने गुड्स या सर्विस परचेज करी थी, उन्होंने अपनी टाइमली GSTR 1 अगर फाइल कर दी थी, तो उन लोगों का रिकॉर्ड तो 2B में शो होगा।
जिन्होंने कर दी उनका 2A में तो शो होगा, लेकिन जिन्होंने लेट करी है तो उनका आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर उसका 2A के अंदर शो कर जाएगा। आईटी से आपको मिल जाएगा लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। तो अब आपको करना क्या होगा, जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर देखो क्या हो रहा है कि हमने 1034 रुपये का, हमने 1034 रुपये का आईटीसी ले लिया, क्योंकि हमने बुक्स को बुक्स में तो हमने तीनों सप्लायर की एंट्री कर दी, ठीक है, तीनों सप्लायर की एंट्री हमने कर दी, लेकिन पोर्टल पे केवल और केवल 2 पार्टियों के ही हमें नाम शो हो रहे हैं। तो कहने का मतलब इसका नाम नहीं शो रहा, तो हमें ये जो 30 रुपये इसका जो आईटीसी है इस सप्लायर का, जिनसे जिसने रिटर्न फाइल नहीं करी उसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में, जब हम मई 2024 की 3B फाइल कर रहे होंगे जून में जाके, तब हमें इस 30 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को, यानी कि अगर आपने सप्लायर टाइमली रिटर्न फाइल करता है तो आपका 2A 2B में दोनों में दिखेगा, रिटर्न लेट फाइल करता है तो केवल आपको 2B में दिखेगा। अगर आप इस टाइप की GST को अकाउंट्स को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो हमारे साथ जुड़ के, तो आप हमारे इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सअप करके आप हमारे इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंटिंग और टैक्सेशन की GST TDS TCS इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन कोर्स को परचेज करके हमारे साथ प्रैक्टिकल कोर्स सीखने के लिए, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पे आप हमारे को व्हाट्सअप करके कॉल करके भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद बात आएगी GSTR 1 की। अब 2A और 2B और GSTR 2 के बारे में डिफरेंस हमने देख लिया, यानी कि 2 हमारी केवल बुक्स का रिकॉर्ड है, 2A हमारा ऑनलाइन पोर्टल पे दिखता है और 2B हमें ऑनलाइन पोर्टल पे दिखता है, लेकिन 2B के अंदर हमारा करंट मंथ का आईटीसी हमें दिखेगा और 2A के अंदर हमारा करंट मंथ के साथ साथ अगर हमारा कोई लास्ट मंथ के भी अगर कोई आईटीसी है तो वो भी हमें शो होंगे। अब बात आएगी GSTR 1 की। अब GSTR 1 कौन फाइल करते हैं, सेलर, यानी कि इसके अंदर जैसा कि GSTR 2A 2B के अंदर हमारा केवल परचेज से रिकॉर्ड था और 1 का मतलब हो गया सेल का। अभी सेल के अंदर सेलर कौन करेगा, जैसे मान ली हमने किसी को गुड्स बेचा है तो हम GSTR 1 रिटर्न फाइल करेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमने B2B यानी कि रजिस्टर्ड लोगों को कितना सामान बेचा है, B2C अनरजिस्टर्ड लोगों को सामान कितना बेचा है, इसके साथ साथ हमने इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट यानी कि राज्य और राज्य से बाहर और राज्य के अंदर हमने कितना गुड्स है जो सेल कर दिया अनरजिस्टर्ड लोगों को, जिसके अंदर हमने 5% का, 12% का, 18% का, 28% का और GST फ्री का गुड्स हमने कितना कितना सेल कर दिया। इसके साथ साथ HSN वाइज समरी हमारी इसके अंदर GSTR 1 के अंदर हमें डिटेल देनी होती है, और इसके साथ साथ हमारी डॉक्यूमेंट की समरी इसके अंदर जाती है भी हमने अप्रैल मंथ के अंदर कितने हमने जो सेल इनवॉइस है, चाहे वो क्रेडिट नोट है चाहे वो डेबिट नोट है, कितने हमने इशू कर दिए। इसके साथ साथ अगर आपने रजिस्टर्ड लोगों को कोई क्रेडिट नोट आपने इशू किया हुआ तो उसकी डिटेल भी हमें GSTR 1 के अंदर देनी होती है। तो यानी कि ये GSTR 1 का मतलब हो गया भी आपका सेल से रिलेटेड ये रिकॉर्ड इसके अंदर रहता है। और बात करते हैं अपने 3B की। अब GSTR 3B के अंदर क्या होता है, अब GSTR 1 हमें प्रिपेयर करना होता है और GSTR 2A और 2B हमारा ऑटो पॉपुलेटेड होता है और GSTR 2 हमारी बुक्स के अंदर तैयार होता है। तो इस टाइप ये रिटर्न हमें कहीं देने की ज़रूरत नहीं होती, ये रिटर्न हमें केवल और केवल पोर्टल के साथ में हमें रिकंसलेशन करनी होती है, जितना हमने परचेज किया उतना है या नहीं है। उसके बाद GSTR 3B अगर अपनी बात करते हैं तो GSTR 1 और GSTR 3B ये हमें प्रिपेयर करके ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होती है। अब GSTR 3B के अंदर क्या जाएगा भी आपकी टोटल सेल अप्रैल महीने की यानी कि अप्रैल 24 की टोटल आपकी सेल, जिसके अंदर आपकी टैक्स वाली सेल और GST फ्री की सेल ये दोनों जाएगी, और आपका टोटल आउटपुट टैक्स कितना बन गया ये डिटेल जाएगी, और इसके साथ साथ आपका ITC यानी कि आपने जो लास्ट अप्रैल 2024 के अंदर जितना गुड्स आपने परचेज किया था उसके ऊपर आपने CGST SGST या फिर IGST कितना आपने क्लेम किया हुआ है, तो वो ITC आपका आउटपुट से ज़्यादा है या नहीं है उसके हिसाब से आपके टैक्स की लायबिलिटी है जो काउंट होती है। जैसा कि हम सॉफ्टवेयर में अगर अपने देखते हैं तो
सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखोगे, एक तो GST R1 है, अपने GST R1 के अंदर देखें 1 अप्रैल से, तो यहाँ पर वो सारी डिटेल आ जाती है, B2B की इनवॉइस, B2C की इनवॉइस, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड लोगों को, क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड लोगों को, ठीक है ना। इसके साथ साथ टोटल डिटेल्स आपके B2C समाल के इनवॉइस वगैरह आपके कितने हैं, HSN समरी, डॉक्यूमेंट की समरी, ये सारी डिटेल जाती है। हालांकि अप्रैल मंथ के अंदर इसके अंदर कोई भी सेल नहीं है, अगर अपने मई मंथ की बात करें तो यहाँ पे मई के अंदर देखोगे आपकी ये B2C की सेल है, यानी कि अनरजिस्टर्ड लोगों की सेल हमने मई मंथ में केवल कर रखी है। और अपने अप्रैल मंथ की अगर अपने 3B देखें तो अप्रैल मंथ में क्या होगा, 1/4 से लेकर 30/4 तक हम टाइम पीरियड देते, इसके अंदर आपकी सेल कुछ भी नहीं है। यहाँ देखोगे आप बिट टैक्स ऑन आउटवर्ड और रिवर्स चार्ज अगर अपने देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये जो आपका कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपकी ये कोई भी डिटेल नहीं जा रही है। इसके अंदर हम एक बार इसको हटाते हैं ऐसे ताकि क्लियर और हो जाए हमारा रिपोर्ट सारा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा 3.1 कॉलम है, ये कॉलम आपका बिल्कुल खाली पड़ा है, यानी कि इसके अंदर अभी तक हमारी सेल कुछ भी नहीं। लेकिन अगर अपने बात करें एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC की अगर अपने बात करते हैं, तो ये ITC हमारा 1,034.50 और 1,034.50 ये हमारा ITC है। तो अगर अपने टैक्स लाइबिलिटी की अगर अपने बात करें तो इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी हमारा टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बन रही है क्योंकि हमारा आउटपुट टैक्स कितना है, 0 है, क्योंकि सेल हमने अप्रैल मंथ में करी नहीं है, केवल हमने परचेज करी है। तो परचेज के ऊपर हमारा जितना ITC है, ITC हम चेक करते हैं, 1,034.50, यानी कि 1,034.50 और 1,034.50, ये केवल हमारा ITC है। तो अभी हमारे टैक्स की लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बन रही है क्योंकि आउटपुट 0 है, इनपुट हमारा ज़्यादा पड़े। जिस दिन ये हमारा आउटपुट इस इनपुट को क्रॉस करेगा, मान लीजिए आपका आउटपुट उस दिन 1,040 बन गया, तो डिफरेंस आपका कितना रह गया, यानी कि अगर अपने इसको 1,034 भी माने तो भी आपका 6 रुपये का, यानी कि 5.50 आपको टैक्स के रूप में CGST और 5.50 SGST के रूप में अंदर आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, यानी कि आपका आउटपुट इनपुट से ज़्यादा है, डिफरेंस आपको डिपॉजिट करवाना है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने GST 2, 2A, 2B, GST R1 और GST R3 और टैक्स की लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो एक बार हमारे इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप हमारे से डिस्कस भी कर सकते हो। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।